नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की ओलंपिक्स में भागीदारी पर। करेंगे, आपको जो करना कर लो। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए जुड़ रही हैं मुंबई से मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं नर्स बम्पर। अंदर अंदर। और माउंट आबू से हमारे, एक सेकंड, मुंह दिखाइए, मुंह दिखाई तो दो। और माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती रिंकू देवी। एक काम करिए, आपके पास कपड़ा है तो बाहर से मार दीजिए, टीवी साफ हो जाएगा। ओके। मेरी सीटी के अंदर की काली मिर्च फंस चुकी है। इतना भी मार ले, हम ऐसे ही दिखेंगे। ओके, तो मैं अपने मौजूद मेहमान जो माउंट आबू से हैं उनको शटअप करता हूं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। साइना, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रही थी तो क्या आपको एहसास था कि आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगी? जी बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली मैंने कभी ये भी सोचा नहीं था कि मैं फाइनल्स खेलूंगी और एक दिन टूर्नामेंट जीतूंगी, लेकिन मैंने वर्ल्ड नंबर वन बन के दिखाया और इतने टूर्नामेंट जीते तो मुझे अच्छा लगता है। साइना के लिए जोरदार तालियां और आपके मैं मुंह पे ताली दूंगा उधर आके। आप माउंट आबू में मुंबई में क्यों घुस रही हैं? आप घूंघट नीचे करें। लाइव टेलीकास्ट है, उसमें क्या है। तो रिंकू देवी, आपका मुंह देखने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना मुंह दिखाते हुए हमारे दर्शकों को ये बताइए, भोपाल में जो मेरे साथी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ माउंट आबू आके इनका घूंघट उठाएं। क्या हमारे घूंघट के पीछे पड़े हो? हमारे ससुर जी देख रहे होंगे, उनके सामने कैसे बैठे? तुमको तो कोई सर लाज लगा शर्म है नहीं, हमको तो देखना पड़ता है ना सारा परिवार। तुम्हारे टीवी में आएंगे, दूसरी बार हमको घर पे नहीं घुसने देंगे, उसको क्या करेंगे हम? हमारा तो घर बार है ना कि नहीं है? तुम तो कुमारे हो, हमारी शादी हुई है। देखिए, मैं कैमरा बंद करके आपको मर्दों की तरह पीटूंगा। तो हमारे अंदर का भी मर्द आ जाएगा, फिर जैसे कुश्ती हो गया। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, नहीं तो आपके दाढ़ी निकल आएगी। आप शुरू तो करें पहले। शुरू कर नहीं रहे हैं। कहां कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं। घूंघट के पीछे पड़े हैं। मैं माउंट आबू में घुस के मारूंगा आपको। रिंकू देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताइए आपका मुंह कहाँ है? यहाँ है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या आपने कभी बैडमिंटन खेला है? हमारे घर में बैड ही नहीं है तो मिंटन कैसे खेलेंगे? भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफी सेहतमंद है, भोपाल में पूरी नहीं आ रही। बटाटा बड़ा। हालांकि ये भोपाल से निकल के जबलपुर तक जा रही हैं। मैं श्रीमती बम्पर से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी कोई खेल खेला है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करती थी। वेरी नाइस। तो आप फॉरवर्ड खेलती थी या डिफेंडर? मैं गोल बनती थी। तू तो पहले से इतनी गोल है, और क्या गोल बनेगी तू? आपकी चोटी टीवी से बाहर, अंदर करिए इसको। मैं साइना से यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप रिंकू देवी या बम्पर जैसी आम महिलाओं जैसे काम भी करती हैं? जैसे जो छींक आते हैं तो पर्दे से हाथ पोंछ देते हैं, वैसा कुछ? इन्हें मैं बताती हूँ, ये मैं टूथब्रश से अपनी आईब्रोज बनाती हूँ। तो आपने कभी ऐसे बनाया है? ब्रश किया कर, इससे पागल गलत जगह यूज कर रही है। ये जो आप ऐसे 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 तो राक्षसनियां भी नहीं करती हैं। साइना, जैसे आप बहुत सारे मेडल जीत चुकी हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि अंदर
आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में और भी महिलाएं हैं जैसे ये रिंकू देवी हैं और वो फैली हुई हैं, तो क्या ये भी गोल्ड मेडल जीत सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है, सब गोल्ड मेडल तो जीत, औरतों को तो गोल्ड का शौक ही बहुत होता है, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे वाला गेम होता ही नहीं है ओलंपिक में। तो कौन सा गेम है आपका, जनता जानना चाहती है? हम लोग वो फ्लाइंग गेम खेलते हैं। कौन सा फ्लाइंग गेम? चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़ खेलते हैं। इंटरेस्टिंग, चिड़िया उड़। आप कहें तो खेल के दिखाएं। हाँ, दिखा, प्लीज। अच्छा एक काम करो, भोपाल से थोड़ा सा इधर आ जाओ, माउंट आबू यहाँ रखो हाथ यहाँ पे। चिड़िया उड़, तोता उड़, कौवा उड़, भैंसिया उड़, उड़ाया भैंसिया, भैंसिया उड़ा दिया। लेकिन वो अपनी जगह पे सही है। कैसे? पिछले हफ्ते ही उन्होंने प्लेन में सफर किया था तो उनको एहसास हुआ कि भैंसिया उड़। ये बार बार आप ये सीटी क्यों बजाते हैं कोच लोग? कोच लोग देखिए, पहले शंख बजाया जाता था। हाँ, उसमें जोर बहुत लगता था। आवाजें कई कई बार दो दो आती थी। तो इसलिए हमने वो हटा के अब सीटी बजाई है। इट्स इजी टू बूप, इट्स इजी टू विसल, इट्स इजी टू व्हेन यू विल प्ले शंख यू विल पुश लाइक दिस एंड शंख विल प्ले हिज टोन फ्रॉम बोथ साइड्स। आपको तो काफी तजर्बा होगा मोहतरमा। ओके, तो आप क्या कहना चाहती, कौन सा गेम आप खेल सकती हैं? नहीं, एक ऐसा खेल है जिसमें मैं पक्का गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। कौन सा खेल है वो आप अपने खराब मुंह से बताना चाहेंगी? अंताक्षरी। अगर हम अंताक्षरी खेले, मैं उसमें पक्का कह रही हूँ मैं गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हूँ। गोल्ड मेडल तुम जीत तो लोगी, लेकिन लटकाओगी कहाँ, गर्दन तो है नहीं। देखिए देखिए, हेलो बम्पर, आप प्लीज भोपाल में रहे, माउंट आबू में मत घुसे आप। ये पहले मेरे भोपाल में घुसी थी। इसका भोपाल है ही इतना बड़ा, मेरे माउंट आबू में आके टकरा रहा है। रखो अपना भोपाल थोड़ा उधर, कम करो उसको, इतना क्या फैल रहा है भोपाल। ए, चुप जी। अब रिंकू जी एक बहुत ही अच्छा गाना खराब करेंगी जी। आप क्या गा के सुना के हमारा समा खराब करेंगी? ऐसे आया है तो ऐसे ही गाएंगे। ए से गाना है आपको? तो मैं कौन सा बी से गा रही हूँ, ऐसे ही गा रही हूँ। ए तुम लोग ए बी के चक्कर में मुझे सी मत बनाओ। हाँ तो ऐसे गाते हैं, इतरो मोस्त्रे मातृति सी गोत्रिक पात्रिक लोत्रे में हस्त्री हिस्त्रा संगीता। एक्सक्यूज मी, अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है बाथरूम जाके आ सकती हैं। क्या बोल क्या रही हैं आप? गाओ सखी गाओ। टिडिंग से गाइए। ये क्या था? टिडिंग नहीं है, क्या गाना था? नहीं, टिंग से गाइए। टिंग 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 से आपकी माँ ने गाना बनाया था। गाना ही गलत है वो। गाना ही गलत है, देखो गाना ही नहीं। तो अभी क्या करें? हम एक काम करते हैं, कुश्ती का कर लो। कुश्ती का कर लो। देखिए वो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर साइना है जी, जो बैडमिंटन प्लेयर है, वो कुश्ती में भाग क्यों लेंगी? अच्छा हाँ, वो तो नहीं लेंगी, लेकिन हम दोनों ले लेंगे ना, उसमें क्या है। हाँ तो मैं भी डरती नहीं हूँ। आ जाओ फिर, आ जाओ। अरे अरे अरे, कुश्ती तो सीटी मारो रे। Bye.
चोट लगने की संभावना के चलते हम अपना प्रोग्राम यही रद्द करते हैं। एक बार साइना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साइना आप जब भी आती हैं हमारे शो पे चार चांद लग जाते हैं, बहुत मजा आता है, रौनक लग जाती है। साइना आप अपने मम्मी पापा के साथ आई हैं, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। आंटी अंकल आपको मजा आया? हालांकि सारा दिन साइना शूट कर रही थी और उसके बाद प्रॉपर थक के आई थी यहाँ पे, लेकिन हमारी यही कोशिश थी कि साइना के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाएं, बिकॉज बहुत प्रेशर रहता है इन पे। सो आई होप यू आर फीलिंग रिलैक्स नाउ। रिलैक्स सुपर, इट वाज ऑसम। अब जो आप काम करते हैं वो आई थिंक बहुत ही मुश्किल काम है। देखो हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स स्टिल रोज हार्डवर्क करना है, तो रूटीन रहता है वो, लेकिन जो कॉमेडी है इट्स टू टफ। आई थिंक जो आप हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं हमें हंसाने के लिए, इट्स वेरी वेरी ग्रेट, एंड आई होप ये शो और तरक्की करे आप। थैंक यू साइना, और आगे जाए। थैंक यू साइना, आई लव योर शो एंड आई लव यू कपिल। थैंक यू साइना, वी लव यू टू। ऑल ऑफ यू, सिद्धू सर आई लव यू टू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं साइना को ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप कर रही हैं वो तो पूरे विश्व में और कोई कर ही नहीं सकता, और आप हमारे देश का सम्मान है, मान है, गौरव है, और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं कि फ्यूचर में आपके जितने भी सारे मैचेस हों आप उसमें झंडे गाड़ के आएं, भारत का नाम रोशन करती रहें। एक हमारे शो की परंपरा है, हम लोग एक सेल्फी लेते हैं, इट्स कॉल्ड लावा सेल्फी।